वट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम तो जो भी लीगल सिस्टम है उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बनाए गए हैं तो उस ब्रांच के विषय में हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मदद से सीखेंगे तो देखिए एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ अब इन दोनों को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरह का को कोई ऑफेंस होता है जैसे मान ली कहीं चोरी हो रहा है कहीं पर किसी महिला को के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या किसी दहेज प्रथा का मामला है या कहीं मर्डर का मामला है तो समझ जाइए कि ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गया जबकि सिविल लॉ में क्या होता है सिविल लॉ में जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्तिगत लोगों का कुछ अगर नुकसान पहुंचाया जाता है जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि, कि कोई जमीन को बेचता है तो ये एक व्यक्तिगत मामला हो गया ठीक है या कोई किसी सामान को खरीदता है या मान रेंट का मैटर है जैसे कि मान ली एक मकान मालिक है और किराएदार है या फिर डायवोर्स का मामला है ठीक है तो इस तरह के जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं इसको सिविल लॉ के अंदर रखा जाता है अच्छा क्रिमिनल लॉ का दूसरा क्या चाहिए कि जब क्रिमिनल लॉ अगर होगा तो सबसे पहले क्या क्या जाता है कि एफआईआर लॉन्च कराया जाता है यानी कि आर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो सबसे पहले क्या होता है कि एफ जो है वो लॉग इन कराया जाता है थाने में जाकर ठीक है तो ये समझ जाइए कि ये क्रिमिनल लॉ है ठीक है अब इसमें क्या होगा कि पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद फिर वो जब पाएगी कि कही ये कहीं ना कहीं दोषी है तो उसके बाद वो क्या करेगा कोर्ट में जाकर फाइल कर देगा केस को ठीक है तो इसमें एफ होती है फिर पुलिस जो है वो कोर्ट फाइल करती है जबकि सिविल लॉ में देखिए इसमें लॉन्च नहीं होती है, बल्कि एक पिटीशन, एक याचिका जो है वो दायर कर दी जाती है अब थर्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोर्ट पाती है कि ये दोषी है तो उस दोषी को क्या करेगी जेल में भेज देगी या तो फिर उसको सजा देगी फैन या तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगाएगी फाइन के तौर पर जबकि सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है ना ही तो उनको कोर्ट जाता है और ना ही तो उनपे फाइन लगाया जाता है बल्कि कोर्ट इस सिचुएशन में क्या करती है कि दोनों के बीच में एक जो रिलीफ होना चाहिए वो देती है राहत देती है दोनों के बीच में दोनों के बीच में साझा करा देती है ताकि वो अपने केस का निपटारा कर सके तो बहरहाल आप ये समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्रिमिनल लॉ और क्या होता है सिविल लॉ और दोनों में किस प्रकार का क्या फर्क आता है चलिए अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं अब आपको इसमें बताना है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं और उनको छेड़छाड़ उनके साथ की जा रही है ग्रुप ऑफ बॉयज के जरिए तो बताइए कि किस तरह का लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि लड़कियों का एक ग्रुप है और वो स्कूल जा रहे हैं और उसको कुछ बॉयज लोग अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्रिमिनल लो हो गया इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए यहां पर जाकर थाने में जाकर एफ लॉन्च करवाना चाहिए अब मान लीजिए कि टेनेंट हु इज बींग फोर्स टू तो मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंड मान लीजिए कि मकान मालिक है और रूम रेंटर है ठीक है तो रूम रेंटर को वहां से क्या क्या जा रहा है निकाला जा रहा है रूम से तो इस चीज को लेकर जो टेनेंट है वो कोर्ट चला जाता है तो ये किस तरह का आपका आ, होगा क्या ये क्रिमिनल लो होगा नहीं बल्कि ये सिविल लो हो जाएगा तो यहाँ पर एफ लॉन्च नहीं होगी बल्कि एक पिटिशन दायर होगा कोर्ट में और दोनों के बीच में क्या कर दिया जाएगा एक रिलीफ जैसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाएगा तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे कि जो लीगल सिस्टम के ब्रांचेस होते हैं वो होते हैं क्रिमिनल लो और दूसरा होता है सिविल लो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे